नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। वापस हम लोग फिर ऑफिस आ गए हैं और अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऑफिस से ही आगे के कार्यक्रम ऑफिस से ही करेंगे। दुनिया में इस समय 39,18,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हम लोग मतलब जब तक आप तक पहुंचेगा ये या कल सुबह तक हम लोग 40 का आंकड़ा पार कर चुके होंगे, 40 लाख का। अभी तक जो डेथ हुई हैं दुनिया भर में वो 2,70,000 हैं। हिंदुस्तान में अब इसने गति पकड़ ली है, 56,409 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं अभी तक और डेथ 1,890 हो चुकी हैं। जो हमारे यहाँ टेस्ट है उसने थोड़ी गति पकड़ी है, अब टेस्ट कुल 14,37,788, लेकिन जो पर मिलियन वाला है वो अब हम 1,042 में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी हम जो बाकी देश हैं उनके मुकाबले बहुत कम पर मिलियन के हिसाब से कम टेस्ट हो रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको यहां बता दें कि टेस्ट जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसी अनुपात में संक्रमित लोगों का नंबर्स भी बढ़ता जा रहा है। वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जब 100 टेस्ट हो रहे थे तो चार लोग थे, जब 1,000 हो रहे हैं तो 400 हैं और जब 10,000 हो रहे हैं तो 4,000 हैं, कुछ इस तरह से उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कल मई 7 को 3,364, थोड़ी राहत थी उसके एक दिन के मुकाबले के पहले, 3,364 लोग, 3,364, और डेथ्स जो हुई कल वो 105 हुई, एक दिन पहले के मुकाबले थोड़ी कम। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज और हो रही है जिसको अगर एक एक्चुअली वो अंग्रेजी का एक वर्ड है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ और फिर उसके बराबर का हिंदी वर्ड मुझे बहुत ठीक नहीं मिल रहा था। एक होता है कोलेट्रल डैमेज, उसको कहा जा रहा है सामूहिक क्षति, लेकिन कोलेट्रल डैमेज का मतलब ये कि इसकी वजह से इस तरह के लॉकडाउन का क्या क्या असर हुआ है। असर ये हुआ कि कल वाइजेक के पास एक वेंकटापुरम जगह है, वहाँ पे LG कैम नाम की एक कंपनी का प्लांट है। ये LG वही वाले हैं साउथ कोरिया के जो जायंट हैं। ये प्लांट मूल रूप से हिंदुस्तान पॉलीमर के नाम से पहले था, जो श्रीराम वालों का था, फिर इसको मलाया जी ने खरीद लिया था, वो कुछ इसमें किसी नाम से चला रहे थे, और शायद 99 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 99 में इसको साउथ कोरियन जायंट LG ने मलाया जी से खरीद लिया था। तब से इसको LG कैम के नाम से, पहले इसका नाम LG पॉलीमर्स था, फिर LG कैम के नाम से चला रही है। वो जो फैक्ट्री थी वो लॉकडाउन के किस वजह से बंद कर दी गई थी। कल सुबह, ये बात मैं कर रहा हूँ वेडनसडे और थर्सडे की रात की, मतलब थर्सडे की अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे वहाँ से गैस लीक हुई है। अब वो रात में लोग सो रहे थे, गैस लीक हुई है, वो करीब 3 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में उसका प्रभाव हुआ, उससे कुल 11 लोगों की मृत्यु हुई है। उस 11 में से 8 लोग तो डायरेक्ट गैस की वजह से मरे, 3 लोग उस भगदड़ में, क्योंकि लोग भागे हैं उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 2 जैसे कुएं में गिर के मर गए, जो 2 बच्चे हैं वो 6 से 9, मतलब इस तरह के हुए हैं। कुल 11 मृत अभी तक हुई थी। ये किसकी वजह से हुआ? ये सरीन गैस है जो लीक हुई है, ये लिक्विड स्टेट में रहती है, 20 डिग्री से कम टेम्परेचर में इसको रखा जाता है, और अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो बहुत लीथल, मतलब फिर आपको ये प्राण घातक हो सकती है। फैक्ट्री जब देश में लॉकडाउन हुआ तो फैक्ट्री भी लॉकडाउन में चली गई, और इधर चूंकि अब ये हुआ था कि सब फैक्ट्रीज को वापस वो करो और शुरू किया जाए, तो ये अब फिर से रीओपनिंग की बात हो रही थी, और उसी के लिए मतलब आके मेंटेनेंस चल रही थी और ये हो रहा था कि फैक्ट्री शुरू की जाएगी। यहाँ पे इस सरीन गैस के 2 टैंक्स हैं, एक 35,000 किलोलीटर कैपेसिटी का है, एक 25,000 किलोलीटर कैपेसिटी का है। उस समय जब यह हुआ है तो जैसा फैक्ट्री वालों का कहना है, कुल 1800 किलोलीटर 1800 किलोलीटर सरीन गैस उनके पास थी, जिसमें से करीब 3 टन लीक हुई है, ऐसा वो कह रहे हैं। अच्छा, इस टेम्परेचर जो होता है इसमें हरदम मेंटेन किया जाता है। जो अभी जानकारी है, जो मतलब अभी इंक्वायरी तो नहीं हुई है, वहाँ के हिसाब से जो आ रही है कि टेम्परेचर का उसका मेंटेन नहीं हो पाया उसी वजह से, या वो जो टैंक थे वो भी बहुत पुराने हो गए थे, या निग्लिजेंस भी एक कारण हो सकता है, ये तीनों में से का मिश्रण कह लीजिए, कोई ना कोई कारण तो हुआ ही। एक VOC डिटेक्शन सिस्टम होता है इस तरह के प्लांट में, जहाँ केमिकल हैजर्ड्स की बात है, जब भोपाल में 1984 का भोपाल गैस लीकेज हुआ था, उसके बाद देश ने बहुत से कानून बदले थे, 1986 में कुछ कानून बदला था, और इस तरह के की जगहें जहाँ पे इस तरह का केमिकल स्टोर किया जाता है, डिटेक्शन सिस्टम की भी बात हुई थी।
वो यहाँ था, उसने काम किया कि नहीं किया, ये तो अब जब इंक्वायरी आ जाएगी तब पता लगेगा। लेकिन यहाँ का एक चीज़ मैं बता दूँ, अद्भुत काम किया है और इट हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड वहाँ की प्रशासन ने, खास करके पुलिस ने, एनडीएम की टीम है और चीफ मिनिस्टर भी का भी सहयोग रहा है। लेकिन जो मतलब ये मैं एक आपको शीट दूंगा इसके साथ, आप देखिएगा टाइमलाइन है उसमें, वो उनकी इंटरनल मतलब उनकी शीट है। रात में कोई ये 3:30 बजे, वो आप टाइम लाइन में देख लीजिएगा कितने बजे कौन सा है, पुलिस की सूचना के 10 मिनट के अंदर पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस को पता लग जाता है कि ये कुछ भयंकर चीज हुई है, अपने बाकी लोगों को इन्फॉर्म करती है, फायर ब्रिगेड 3:40 पे पहुंच जाता है और फिर वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस वाइजेक और DCP सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं अगले 40-45 मिनट के अंदर। और एक जो इन्होंने बहुत सी जानें इसलिए बचाई हैं और मैं इसलिए उसको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं कि इनका नाम कहीं नहीं आएगा, ये बातें लोग भूल जाएंगे, 2-4 दिन में कोई देश में बड़ी इससे बड़ी चीज हो जाएगी तो ये त्रासदी भूल जाएंगे। 4,500 फैमिलीज को रात में 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच सोते हुए इन पुलिस वालों ने, इन रेस्क्यू टीम ने जबरदस्ती घर के दरवाजे तोड़ के, खटखटा के, जगा के, उनको सोते हुए में खींच खाच के निकाल के वहां से बाहर ले गए हैं। वो फोटो आप सब लोग देख रहे होंगे कैसे लोग कोई सांस नहीं ले पा रहा है, कोई सड़क पे गिरा हुआ है, वो सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन 4,500 फैमिलीज को इन लोगों ने मतलब बहुत बुद्धिमानी से, बहुत ही क्विक रिएक्शन करके ये काम किया है एंड इसके लिए वहाँ का जो भी प्रशासन था वो काबिले तारीफ है। और जगन रेड्डी जी एक यंग चीफ मिनिस्टर के बारे में मैं इतना जरूर कहूँगा कि उनका रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी रहा, वो तुरंत आ गए मौके पे मतलब, और उसके बाद उन्होंने तुरंत जो कॉम्पनसेशन था वो तुरंत अनाउंस किया और ठीक कॉम्पनसेशन, उन्होंने 1 करोड़ रुपया हर विक्टिम की फैमिली को दिया है जिसकी डेथ हुई है। और कल मैं देख रहा था वो 10 लाख रुपए जो वेंटिलेटर पे चला गया उनको, काफ़ी लोग वेंटिलेटर पे, शायद 40-60 लोग वेंटिलेटर पे, 1 लाख रुपया जो अस्पताल में एडमिट हुआ है। देखिए हम लोग कहें कुछ भी, जो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ ना कि ये जो आप डॉक्टरों का इंश्योरेंस बढ़ा दे रहे हैं कि आपका हम इंश्योरेंस कर दिए हैं कि अगर आप मर जाएंगे तो 50 लाख रुपए की 1 लाख, उससे ज़्यादा बड़ा इंसेंटिव ये है कि आपको कैश इंसेंटिव इज अ बिगर इंसेंटिव, क्योंकि जो और खास करके जहाँ पे सैलरीज कम है, जहाँ पे पैसे कम है, जिसको महीने का 10-15-20 हज़ार रुपये मिलता है, उसके लिए आवश्यक है कि आप उसके इस तरह के इंसेंटिव को करिए। ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन इससे एक क्वेश्चन और निकल रहा है कि लॉकडाउन के बाद अब जब इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो शायद अब ज़्यादा सतर्कता और ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अकेला, ईश्वर करे कि ये अकेला हादसा रहे लॉकडाउन से बाहर आते समय जो हुआ है वहां पे। इसके अलावा जो जब मैं कोलेट्रल डैमेज की बात कर रहा था तो एक और माइग्रेंट लेबर का, देखिए माइग्रेंट लेबर तो बार बार घूम फिर के आ जा रहा है, बार बार घूम फिर के आ जा रहा है, वो गांव आ रहा है, मतलब एक तरह से हम लोगों के नैरेटिव में पिछले 10-5 दिन से हिंदुस्तान का गाँव, जो गाँव से जो जाके लोग वहां पर मजदूरी कर रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं, उनसे कल रात बहुत देर उन्होंने अपना व्यू दिया और वो शहर में रहते हैं, सरकारी नौकरी में, ठीक तनख्वाह मिलती है, उनका बहुत स्ट्रांग व्यू है कि अरे तुम जानते नहीं हो, सब वो हैं घर में, अब जेब में पैसा रखे हुए हैं और सरकार से ये लेते हैं और जान, मतलब उनका जो व्यू था वो आप सुन के आपको अजीब सा लगेगा, ये कौन लोग हैं इस तरह का व्यू रख रहे हैं जो शहर के मध्यम वर्गीय TV देख के घर के अंदर रहने वाले लोग। मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूं लेकिन मेरा उतना ताल्लुक गांव से ज़रूर है कि मैं ये समझ सकूं, पूरी तरह नहीं तो कुछ कम से कम ये समझ सकूं कि वहां उनकी कष्ट को कुछ समझ सकूं। अब कल रात में एक ऐसा हादसा हुआ जो आज सुबह, मतलब कल रात का मतलब आज 8 मई की सुबह, 20 लोग माइग्रेंट लेबर पैदल चले। अच्छा ये तो पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, ये बहुत सी जगह होता है। असल में आप अगर मेन रोड से जा रहे हैं तो पुलिस रोक रही है या मतलब आपको रुका जा रहा है, तो सबसे सेफ लोगों को लगता है कि पटरी पटरी पकड़ लो और ट्रेन के ट्रैक के साथ आप अगले स्टेशन अगले स्टेशन अगले स्टेशन पहुंचते जाओगे। ये पुराना फॉर्मूला है, इसमें कोई वो तो है नहीं। तो लोगों ने ट्रेन की पटरी पकड़ी, ट्रेनें चल नहीं रही थी। अब ये कोई, ये जो लेबर क्लास था ये कोई पेपर तो पढ़ नहीं रहा था, ये कोई व्हाट्सएप तो देख नहीं रहा था,
ये लोग रात में औरंगाबाद के पास ये लोग सो गए, 20 लोग सो गए, और सुबह 5:15 बजे एक ट्रेन आई, जिस ट्रेन के ड्राइवर ने देख के पूरी अपनी भरपूर कोशिश की, बदनापुर और करमाट के बीच का की बात है ये, महाराष्ट्र सेक्शन में, मतलब औरंगाबाद सेक्शन में, उसने सब कुछ ब्रेक रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि स्पीड थी और बहुत लास्ट मिनट में ये सब हुआ, 15 लोग उस रेल के पहिए से कुचल के समाप्त हो गए, 4 लोग उसमें से बच गए हैं, एक को चोट आई है वो हुआ रहा है, और जैसा पुलिस का कहना है कि वो अभी इतने शॉक में है कि वो स्टेटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, और वहाँ पे जो उनका सामान है वो जानबूझ के हम लोग वो फोटो नहीं लगा रहे हैं, उनका सामान जो है उसमें रोटी चप्पल, मतलब जो बांध के रोटी चले थे कि मालूम नहीं 2 दिन में, वो लोग भुसावल जाना चाह रहे थे कि कब तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, रोटी वोटी बंधी हुई है, सब रोटी वहाँ पर दिख रही है। ये हमारे उन माइग्रेंट लेबर को आप अभी भी, मतलब अभी भी क्लैरिटी नहीं हो रही है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा ये सब करने के बाद भी, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कम से कम खुलेआम बार बार ये कह रहे हैं कि जो जहाँ है वहाँ रहेगा, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन सबको उत्तर प्रदेश वापस लेके आऊँगा, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बार बार कहा, कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम ऑन रिकॉर्ड आके ये बात वो कह रहे हैं। एक और तस्वीर है जो थोड़ा दहला दी है, महाराष्ट्र के एक बीजेपी के MLA हैं नीतीश राणे, उन्होंने ये एक फोटो क्लिप भेजी है, वो बहुत जगह सर्कुलेट भी हो रही है, आपने हो सकता है अब तक देख लिया हो, बम्बई के सायन हॉस्पिटल में, मतलब सायन तो आप सब लोग जान रहे हैं, जब चेंबूर से चलिए आप न्यू बॉम्बे की तरफ, सायन अस्पताल में मुर्दे हैं, मतलब डेड बॉडीज हैं जनरल वार्ड में, और 1, 2, 3, 4, 6, 8 हैं, वो डेड, वो जो बॉडी बैग है उसमें काले रंग के बॉडी बैग में वो दिख रही हैं आपको, और वहीं पे मरीजों का इलाज भी हो रहा है, वहीं मरीज उसी वार्ड में मरीज भी हैं, और डॉक्टर कह रहे हैं क्योंकि इनके अभी क्लेम करने वाले आएंगे और क्या आएंगे, मतलब मुर्दों के बीच में इलाज हो रहा है। इसके बारे में किसी को क्या कहूँ, किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम और आप शायद इतने ही संवेदनहीन होते जा रहे हैं कि इसमें किससे क्या शिकायत करें। अब लोग कर रहे हैं कि एक, अब नए नए बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं, एक नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी बनेगी और क्या क्या होगा। कुछ लोगों का एक ये भी आर्गूमेंट है, जैसे कल हमारे मित्र का एक, इन लोगों का ये भी आर्गूमेंट है कि भाई ये लोग अपने को रजिस्टर क्यों नहीं कराए थे, जब एक नेशनल पॉलिसी है ये लोग जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराए थे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ इसमें से अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 99 घरों में कोई ना कोई मेड आती होगी या कोई ना कोई व्यक्ति आता होगा जो झाड़ू पोछा करता है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ड्राइवर रखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके यहाँ खाना बनाने वाला कोई आता है। बिल्कुल ईमानदारी से बता दीजिएगा, देश का कानून ये कहता है कि आपके घर का कोई भी डोमेस्टिक हेल्प अगर है तो वहाँ के लोकल थाने में एक फॉर्म मिलता है, आपको उसकी फ़ोटो और आधार कार्ड और ये सब करके जमा करना है। कितने लोगों ने जमा किया है ये आप अपनी ईमानदारी से बता दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आप सबने ये किया है तो आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि इन सारे लेबर्स को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, और अगर नहीं कराया है तो वो जिए चाहे मरे हमसे मतलब नहीं, लेकिन अगर आपने अपने डोमेस्टिक हेल्प का अपने लोकल थाने में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको भी ये समझना होगा कि रजिस्ट्रेशन कराना और ये कराना नॉर्मली, आप एक्ट कोई भी निकाल दें, ये ऑन दी प्रैक्टिकल साइड ये होता नहीं है। अगर आपको ऐसा है तो ओनस शुड हैव बीन ऑन दी जो बिल्डर है या जो इनको एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉयर के ऊपर ओनस होना चाहिए कि इनका रजिस्ट्रेशन वो कराए, नॉट ऑन दी लेबर। खैर, क्योंकि लोग अब एक नया आर्गुमेंट कर रहे हैं कि जब वो था तो इकोनॉमी को था और वहाँ कर्नाटका में इनको काम कर रहे थे और कैसे छोड़ के भाग आएंगे, और बम्बई में जब सफाई नहीं हो रही है तो वो सफाई करने वाले कैसे भाग आएंगे, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि कर्नाटक में उनको रोक लिया गया। अरे भाई, जब जान पे आफत पड़ेगी, कह तो रहे हैं जान है तो जहान है, हमारे प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, जान है तो जहान है। एक वीडियो मैं आग्रह करूंगा, ये कर्नाटक के किसी MLA साहब का वीडियो है, वो लड़का चल दिया है, वो लोग कर्नाटक से, वो पूरा मतलब यंगस्टर्स हैं। यार तुम लोग किधर जा रहे हो? यूपी जाएंगे। यूपी कैसे जाओगे? ऐसे कैसे यार, यूपी थोड़ी इधर ही बाजू में है क्या? सर कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं, क्या करें बता। तो ठीक है, वो ठीक है, मगर कैसे यूपी कैसे पहुंचोगे तुम? चल के सर।
यार मजाक बात है क्या? मजाक वाला बात होता तो घर से नहीं निकलते थे। अजीब सा बात है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे जा रहे हो कि कैसे कि कहीं गांव बाजू गांव जा रहे हो तुम। बाजू वाला गांव तो नहीं है लेकिन आराम आराम से निकली जाएंगे 20-25 के एक महीने में। अभी पूरा रास्ता पूरा देख रहा हूँ, 10-10 लोग 20-20 लोग जा रहे हैं। क्या करें सर, किसी के पास बचा नहीं है। पहला लॉकडाउन हुआ था तो सब चलो कोई बात नहीं 30 तारीख को खुल जाएगा, पैसे थे खा पी ले, फिर लगा दिया, फिर भी 117 तारीख तक कर दिया। कोई भरोसा है कब खुलेगा? नहीं वो बात सब मैं मानता हूँ, मगर पैदल कैसे जाओगे सर? जैसे जाएंगे जैसे जाएंगे, अब पता नहीं कैसे होने वाला बात है क्या ये? अब चले जाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा आराम, रात को आराम, थोड़ा 20-25-50 किलोमीटर रात को चलेंगे, दिन को चलेंगे। नहीं यार मेरा समझ में तो नहीं आ रहा है, कैसे जाओगे तुम लोग? नहीं समझ में आएगा, हमको तो समझ में आएगा, क्या करें, मुसीबत है, घर में पैसे है नहीं। वो सब जाओगे कमाने खाने गए थे, वहाँ चल दिए हैं, और वो बार बार पूछ रहा है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? यूपी 2000 किलोमीटर चल दिया। वो कह रहा है यूपी बाजू में नहीं है, कहाँ मतलब ये कैसे? वो कह रहा है क्या करें? उसने कहा कि पहले लॉकडाउन के समय जो भी पैसा था वो खत्म हो गया, फिर लगा 21 तक हो जाएगा, अब 21 से फिर 17 तक कह रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं फिर बढ़ेगा, क्योंकि आज ही की बात आ रही है शायद उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह की बात है कि 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ जाएगा, इस तरह की चर्चा आ गई, हो सकता है शाम तक ये अनाउंसमेंट हो जाए, एक दो दिन में हो जाए। इसमें भी एक बहुत स्पष्ट बात यह होनी चाहिए कि जो माइग्रेंट जो आपको लगता है कि आपकी इकॉनमी उससे चल रही है, मान लीजिए कर्नाटक की थोड़ी देर हम बात मान लें, उसको लगता है कि उनकी इकॉनमी इससे चल रही है और उस पर खराब असर पड़ेगा अगर ये लोग वहां से निकलेंगे। महाराष्ट्र को लगता है कि उनके यहां इन माइग्रेंट्स का एक अहम जरूरत है और वो अहम है। आप आज अनाउंस करिए, क्योंकि अगर आप जहाज से आना जाना एक दिन में अनाउंस करते हैं, आप आज अनाउंस कर दीजिए अपनी पॉलिसी कि आप लोग यहां रहिए अगले 6 महीने तक। आप हम ये नहीं कह रहे जीवन भर की, 6 महीने तक हमारी पॉलिसी ये है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अपने लोकल थाने में या कहीं पे भी, आपको हम जब तक आपको कोई हम काम देंगे, और अगर काम नहीं दिए तो रोज का एक कोई भत्ता जो आपको लगता है कि एक रोज जीने के लिए आदमी को मिनिमम एक कितना चाहिए, खाने के अलावा भी अगर कोई आवश्यकता आपको लगती है कि अब लोग दातुन करना भी भूल गए हैं जो पहले पेड़ से ले लेते थे, अब अगर ब्रश पेस्ट शौच जाने के बाद हाथ धोने का भी अगर कुछ है, हाथ धोना तो कहा ही जा रहा है, उस साबुन आबुन की बात अगर आप कर रहे हैं तो एक मिनिमम आपको लगता है कि इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए, उतना पैसा रोज उसको रोज के हिसाब से हफ्ते के हिसाब से डालते रहिए। जिस दिन उसको आप काम दीजिए उसका कुछ एक मिनिमम वेजेस के साथ उसको बांध दीजिए, एंड देन लीव द चॉइस विद द माइग्रेंट। क्योंकि आज ये भी नहीं समझ में आ रहा ना, सब लोग वहां से विड्रॉ कर गए हैं, जो ठेकेदार जाता है वो है नहीं, तो एक असमंजस की स्थिति सबके लिए है कि कल के दिन अगर वो रुक भी जा रहा है तो उसको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये उसको नहीं पता है। तो अगर कुछ इस तरह का है, मैं बार बार मेरा फिर से आग्रह है कि ये चॉइस इज विद द लेबर, उस मजदूर की ये चॉइस होनी चाहिए कि मैं रुकना चाहता हूं कि नहीं। आप जबरदस्ती अगर मैं मतलब ये संभव नहीं है, लोग पैदल चलना शुरू करेंगे, रास्ते में लोग मरेंगे, पटरी पर लोग मर रहे हैं। मेरे सहयोगी हैं उनके अपने गाँव का आज दिन की बात है, दो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट हैं, उन लोग पंजाब में लुधियाना के पास राजपुरा स्टेशन से चले हैं, पिता पुत्र, पिता का पैर पटरी में फंस गया था पटरी में, उसको निकालने रहा, ट्रेन आ रही थी, सामने देखते देखते पिता और पुत्र दोनों लोगों की वहीं मृत्यु हो गई है, जिसको कहते हैं ट्रेन से कट के मर गए हैं। ये दुखद बात है, और कहीं ना कहीं हम लोग कुछ कह लें, हमें उनके साथ उनकी संवेदना में और उनके इसको कष्ट, देखिए आप नहीं करेंगे वो पैदल चलेंगे, वो मरेंगे लोग, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरा एक चलते चलते एक मिनट में जो मैं फिर से आपसे कर दूं, ये जान लीजिए कि अब एक पक्ष ये भी है कि ये आगे पीछे होगा हम सब लोगों को, वैक्सीन आने में अभी 8 महीना 1 साल है, कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे, और उसका एक ही मंत्र यह है कि आप जितनी सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं जो संभव है, सबको समझाइए जो भी आ रहा है जिससे आप इंटर, क्योंकि आप कितने दिन तक होल्ड करेंगे, आप बाल अपने कितने दिन तक नहीं काटेंगे? अरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने बाद काटेंगे ना, लेकिन 4 महीने में कोई ये वायरस खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। आप सब्जी तो ले लाएंगे ही ना कहीं से, आप कहने को अपना मन करने के लिए बाहर रख दे रहे हो, 24 घंटे रख के फिर ले आ रहे हैं, लेकिन सब्जी तो लाएंगे ना, खाने पीने का सामान तो आएगा ही आएगा ना, तो इंटरेक्शन तो होगा ही होगा, कम और ज्यादा हो सकता है, हमारे और आपके हाथ में ही है कि जितना हो सके दूरी बना के रखा जाए, उतना ये रखा जाए कि भाई कम से कम, अच्छा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, ताजा खाइए कुछ है, अगर मैं एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कहूंगा
लेकिन जितना हो सकता है अपने को स्वस्थ रखिए, क्योंकि आप जब तक स्वस्थ हैं तब तक आपको ईश्वर न करे कि किसी बाहरी एजेंसी हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसके ऊपर डिपेंड होना पड़े। उसके बाद का, क्योंकि मैं कहूँगा तो लगेगा कि भाई सरकार के वो ख़त्म करते हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी अगर कहीं बीमार पड़ गए। तो फिर से एक बार घर पर रहिए, स्वस्थ खाइए, ताज़ा खाइए। कल हम लोग फिर से लाइव में शाम को 5 बजे मिलेंगे। कोशिश हम कर रहे हैं कि कल जरा संदीप पांडे जी फिर से आ जाएं, क्योंकि उनको भी बहुत सी चीज़ें कहनी हैं, उनसे भी बहुत सी चीज़ें समझते हैं। वो ग्राउंड में जाके बात कर रहे हैं, मतलब वो फील्ड में निकले हुए हैं, इसलिए उनसे हरदम कुछ ना कुछ सीखने ही को मिलता है। तो कल शाम तक 5 बजे तक के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।